और सावन की पहली सोमवार के साथ ही प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस बीच जयपुर में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मौजूद नईनाथ मंदिर पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दिए। पेश खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित आगरा रोड पर एक प्राचीन नईनाथ मंदिर इन दिनों हरियाली से घिरा हुआ है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य होने के साथ साथ ही ये मंदिर काफी प्राचीन भी है और इसके इतिहास की एक अलग ही बात है। इन दिनों सावन के महीने में यहाँ की अलौकिक छटा भी देखने को मिलती है। ये मंदिर नईनाथ महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के बारे में पुजारी का कहना है कि यहाँ पर धूना चलता है और कहते हैं कि ये मंदिर 900 साल पुराना है। हमारी 10 या 11 पीढ़ी पूजा कर चुकी है। हमारे दादाजी के सपने में दिखाई दिया था, दादाजी के पहले उन्होंने आके यहाँ शिवलिंग मिला, यहाँ देखा तो फिर वो पूजा करने लग गए। उसके बाद हमारी ठेठ की पीढ़ी वाई 200 आदमी हैं, हम पूजा कर रहे हैं। वो 3 टाइम पूजा होती है, सुबह 4, सवा 4 बजे और दोपहर में 11:15 बजे, शाम को 7:15 बजे। यहाँ पर शिव स्वयं भू प्रकट शिवलिंग भी है। यहाँ हम दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत मान्यता है इस मंदिर की, जो भी इच्छा लेके आते हैं यहाँ भोलेनाथ पूरी करते हैं, और यहाँ पढ़ाई के लिए मांगते हैं तो वो पूरी होती है, और यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। शंकर भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ, और भगवान मन्नत सबकी मन्नत पूरी करते हैं, और ये मतलब इनकी बहुत मान्यता है। भोले भंडारी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ भगवान के दरबार में आया हूँ। यहाँ सावन के महीने में इस मंदिर में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। यहाँ काफी दूर दराज से श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। सावन के महीने में यहाँ पर कावड़ यात्रा भी लाई जाती है। कहा जाता है कि शिव मंदिर बांसकों में सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दूरदर्शन जयपुर से संवाददाता हनुमान सहाय जायसवाल की रिपोर्ट।